लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने तुरभे के मध्यवर्ती शमशान में स्थानीय ग्रामस्थों के लिए 2 स्टैंड रिजर्व करने की मांग की है। मनपा आयुक्त को निवेदन देने के बाद रामचंद्र घरत ने कहा कि एपीएमसी का मध्यवर्ती शमशान तुरभे के स्थानीय ग्रामीणों के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यहाँ नजदीक परिसर के 6 इलाकों के लोग अंत्येष्टि के लिए आते हैं, जिससे ग्रामस्थों को कई बार अपने ही शमशान में इंतजार करना पड़ता है, इसलिए यहाँ उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने आयुक्त से सकारात्मक निर्णय की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। तुरभे एपीएमसी में मौजूद यही वो सेंट्रल शमशान भूमि है जिसे कभी तुरभे के ग्रामस्थों के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यहाँ तुरभे स्टोर, इंदिरा नगर, हनुमान नगर, बोनसरी और आसपास के इलाकों का अंतिम संस्कार होता है। बीजेपी के नवीन जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत की माने तो 8 स्टैंड वाले शमशान में ऐसा कई बार हुआ है जब तुरभे के ग्रामस्थों को अपने ही परिजनों के अंत्येष्टि के लिए इंतजार करना पड़ा है। विधायक गणेश नाई के साथ मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मिलने पहुंचे रामचंद्र घरत ने मध्यवर्ती शमशान में 2 स्टैंड तुरभे के ग्रामस्थों के लिए आरक्षित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो स्थानीय ग्रामस्थों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आयुक्त ने जिस तरह भरोसा दिलाया है उस पर सकारात्मक निर्णय जरूर लिया जाएगा। एक स्मशान भूमि जो हमारी है, ये बहुत पुरानी स्मशान भूमि है, तुरभे गांव में, तुरभे गांव के लिए स्मशान भूमि थी। उसके बाद एनएमसी को किधर जगह न मिलने से इंदिरा नगर, हनुमान नगर, तुरभे स्टोर, तुरभे गांव और सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 29 तक, ये सारे सेक्टर 1.5-2 लाख पॉपुलेशन वाले सब सेक्टर तुरभे में ही आते हैं और तुरभे में ही स्मशान भूमि का वापर करते हैं। तो मैंने उसकी मांग की है कि उसमें 7 जो हमने बनाया अभी, उसमें से 2 तुरभे के लिए सेपरेट होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए। तो तुरंत कमिश्नर साहब ने उसको बोला कि बराबर है आपका, ये आपके लिए रिजर्व हो गया। तो हम अभी 2 कोई भी है वो रिजर्वेशन करेंगे, वो हो गया। तुरभे जो पुलिस स्टेशन है उसके बगल में एक रास्ता जा रहा है सीधा अंदर MRDC के लिए, वहाँ पे बहुत सालों से स्ट्रीट लाइट नहीं है और वहाँ से रोज़ आ जाके 25,000 लोग आते हैं जाते हैं, उसमें से मोस्टली 12-13 हज़ार सिर्फ महिला ही आती जाती है और शाम के टाइम उसको आने के लिए दिक्कत होती है। वो स्ट्रीट लाइट की मैंने मांग की है, तो ये 3-4 मांगे मैंने की, वो तुरंत करने के आदेश आयुक्त साहब ने दिए। बताना जरूरी है कि इसी तरह के आरक्षण की मांग के बाद नेरुल के शांति धाम शमशान में ग्रामस्थों के लिए 2 स्टैंड रिजर्व किए गए थे। हालांकि वहां बीते महीने एक अंतिम संस्कार के दौरान बवाल होने पर मनपा को आरक्षण हटाना पड़ा। तुरभे के मध्यवर्ती शमशान में स्थानीय ग्रामस्थों को सुविधा मिलना जरूरी है, लेकिन आरक्षण सुनिश्चित करते हुए यह समझदारी भी रखनी होगी ताकि किसी के भी अंतिम संस्कार के दौरान कोई विडंबना या विवाद न होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।